नमस्कार, मैं गजानंद साहू और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। नज़र डालते हैं आज के बुलेटिन पर। उदयपुर स्थित परसा गांव में 14 जुलाई को केते एक्सटेंशन कोल परियोजना के लिए जनसुनवाई होनी है, जिसके पहले ही ग्रामीणों ने अदानी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में आने वाले उदयपुर विकास खंड के अंदर आने वाले जंगलों का दोहन कर अदानी कंपनी पिछले 10 वर्षों से कोयले का उत्खनन कर रही है, लेकिन प्रभावित गाँव के लोगों के पुनर्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को पूरा करने में कंपनी असफल रही है, जिसके बाद कंपनी के केते एक्सटेंशन परियोजना के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया है, जिसके कारण ग्रामीणों ने हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति के साथ मिलकर कंपनी के जनसुनवाई का विरोध करते हुए प्रभावित गांव फतेहपुर में नई खदान नहीं खुलने देने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। अमूमन आपने शादियों में बारातियों के बारात निकलते हुए देखे होंगे, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के द्वारा बस का बारात निकालकर अपनी मांगों को मनवाने विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल अंबिकापुर के अंतर्राज्य बस स्टैंड से लेकर कलेक्टोरेट तक बस की बारात निकाली गई और प्रदेश सरकार को इस बात से अवगत कराने की कोशिश की गई कि बस के किराए में 40% की वृद्धि की जाए। यातायात महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले 13 तारीख को छत्तीसगढ़ की पूरी बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा और जल समाधि लेने के लिए ये बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। विगत 1.5 वर्षों में लगातार जो डीजल का दाम में वृद्धि हो रहा है, इससे बस व्यवसाय में बस मालिकों को काफ़ी परेशानी महसूस हो रहा है और हमारे किराया में वृद्धि विगत 2 वर्षों से 18 के बाद नहीं किया गया है, तो आज लगभग 100 रुपये लीटर डीजल का मूल्य हो गया है, तो 40% यातायात महासंघ किराया वृद्धि के लिए मांग कर रहा है राज्य सरकार से। साथ ही साथ जो निष्प्रयोग वाहन जो खड़ा रहता है आई फार्म में, उसको साल भर का अवधि करने के लिए मांग किया जा रहा है 2 महीने की जगह। तो विरोध, हम लोग कलेक्ट्रेट जा रहे हैं अंबिकापुर कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने। कितनी गाड़ियां होंगी हमारे पास? लगभग 25-30 गाड़ियां हैं। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश भर में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों को अध्यापन कार्य से जोड़ने के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोहल्ला क्लास लगाया जा रहा है, ताकि सरकारी स्कूली बच्चों पर स्कूल बंद होने का असर ना पड़े और उनका अध्यापन जारी रहे। जिले के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अध्यापन कार्य कराने मोहल्ला क्लास लगाने का राज्य स्तर पर दिशा निर्देश जारी है, जिसके बाद से ही जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मोहल्ला क्लास प्रारंभ है। इसी क्रम में वनों और पहाड़ियों से घिरे ग्राम कंडा से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पत्थर पर बैठकर बच्चे अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, स्कूली बच्चों को शासन के निर्देश के तहत मध्याह्न भोजन के हिस्से का सूखा राशन भी प्रदाय किया जाता है। कोरोना संक्रमित से बचाव के ध्यान में रखते हुए बच्चों को क्लास के अंदर न रख करके बाहर इनको अध्यापन कार्य किया जा रहा है। बच्चे बिल्कुल शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, इसलिए ऐसा मोहल्ला क्लास बाहर रखा गया है ताकि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। शिक्षा के प्रति जागरूक शिक्षकों की मेहनत है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मोहल्ला क्लास में अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक अपने काम के प्रति समर्पित हैं और गांव में मिलने वाले संसाधनों से ही वे शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ये हमारा मोहल्ला क्लास है, यहाँ पर हम लोग सफाई किए हैं और यहीं पर हम लोग मोहल्ला क्लास लगाते हैं, बच्चे यहीं पर पढ़ने आ रहे हैं। ये कंडा ग्राम पंचायत है और बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या इन लोगों का बढ़ रहा है और बच्चे अब धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहीं मोहल्ला क्लास के प्रति बच्चों में भी उत्साह देखा जा रहा है और बच्चों की संख्या मोहल्ला क्लास में बढ़ती जा रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं होंगे। अच्छी बात है, चूँकि स्कूल में बच्चों को कक्षा लगा करके पढ़ाना नहीं है, तो शिक्षक ने अपने विवेक से सोचा कि पत्थर यहाँ स्कूल के नज़दीक में, गांव के नज़दीक में ये अच्छा जगह है, छाया भी है और इस जगह पे बैठकर पढ़ाई मोहल्ला क्लास चलाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने संचालित कर रहा है। शिक्षक बहुत अच्छा, हम कहेंगे शिक्षक बहुत अपना विवेक से बहुत अच्छा मोहल्ला क्लास चला रहा है, ये उसके विवेक की बात है। सूरजपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दरअसल जिले भर के ग्राम पंचायत स्तर पर
आए दिन छोटे छोटे पुल पुलिया समेत स्टाफ डैम के निर्माण में गड़बड़ी की बातें सामने आती रहती हैं, जहां कई पंचायतों में कहीं औचित्यहीन स्थल पर स्टाफ डैम का निर्माण तो कहीं गुणवत्ताहीन पुल पुलियों का निर्माण कराया जाता है, जो कि बारिश में हर साल बह जाते हैं और इनका निर्माण एजेंसी खुद ग्राम पंचायत होता है, जहां इन गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से जमकर मुनाफा कमाया जाता है और फिर बाद में जिले में इनकी शिकायतों की भरमार होने लगती है। ऐसे में अब जिले के नए कलेक्टर और CEO के पदस्थापना के बाद पंचायत स्तर पर सख्ती नजर आने लगी है, जहां जिले के CEO राहुल देव ने बताया कि ऐसे मामलों में रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जनपद स्तर पर निर्देश दिए गए हैं और ऐसे निर्माण कार्यों पर निगरानी भी रखने की बात कही गई है। साथ ही पूर्व में हुए गुणवत्ताहीन कार्यों की जानकारी भी निकाली जा रही है और कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। बहरहाल जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती के बाद शायद अब जिले के ग्रामीण इलाकों में इस बारिश पंचायतों में पुल पुलिया धराशायी अगर होते हैं तो पंचायतों में कार्यवाही की बड़ी फेहरिस्त नजर आएगी। कोई भी निर्माण कार्य करे जाने की प्रक्रिया होती है, चाहे वो ग्राम पंचायत के द्वारा हो, चाहे RES के द्वारा हो, चाहे अन्य एजेंसियों के द्वारा हो, उस प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर उस प्रोटोकॉल में कहीं किसी प्रकार की चूक है या कोई अनियमित तरह से काम कर रहा है या कोई गुणवत्ताहीन काम कर रहा है और वो प्रकरण अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो मेरे द्वारा संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने, चाहे वो निलंबन कार्रवाई हो, चाहे वो डिसिप्लिनरी एक्शन हो, चाहे वो उसको पुनः तोड़वा के स्ट्रक्चर को बनवाने की कार्रवाई, चाहे वो रिकवरी निकालने की बात क्यों ना हो, मैं या तो मेरे सक्षम रहूँ मैं कर लूँगा या कलेक्टर महोदय से अनुमति लेकर उस काम को मैं करके आपको निष्पादित करके दे दूँगा, लेकिन कहीं भी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हम ऊंच नीच पदार्थ नहीं करेंगे। NSUI सरगुजा इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा निःशक्त, विकलांग एवं गरीब छात्रों को निःशुल्क उत्तर पुस्तिका वितरण करने का कार्यक्रम किया गया, जिसकी शुरुआत राजीव गांधी PG कॉलेज में 50 छात्रों को उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराकर किया गया। सरगुजा जिले के NSUI जिला अध्यक्ष हिमांशु जायसवाल ने बताया कि हमारी कोशिश है कि कोई भी छात्र परीक्षा देने से वंचित न रहे। कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी झेल रहे निःशक्त गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा में उत्तर पुस्तिका और लिफाफा का अतिरिक्त भार न पड़े, इसके लिए NSUI सरगुजा ने जिले के गरीब छात्रों को निःशुल्क उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है। अंबिकापुर में आज़ाद सेवा संघ के द्वारा सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने सरगुजा कलेक्टर से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के प्रतिमा लगाने की मांग की है। आज़ाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव अचित मिश्रा ने बताया कि अंबिकापुर शहर का आज़ाद चौक, जिसे आकाशवाणी चौक कहा जाता है, उस स्थान पर आज़ाद सेवा संघ के द्वारा पिछले कई वर्षों से चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति स्थापित करने की मांग की जाती रही है, पर आज तक किसी का ध्यान हमारे इस मांग पर नहीं गया है, जिसको लेकर आज आज़ाद सेवा संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आकाशवाणी चौक पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगाने को लेकर कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम कलेक्टर आए हैं, हम आज इस मांग को लेकर आए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति, जो आज हम 4 वर्षों से लगातार ज्ञापन के माध्यम से मांग करे जा रहे हैं कि आज़ाद चौक, जो आकाशवाणी चौक कहा जाता है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति की स्थापना किया जाए, पर उस पर किसी और किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर मांग करने आए हैं कि उस पर एक महीना के अंदर वहां प्रतिमा लगाने पर कुछ निर्णय लिया जाए, नहीं तो आज़ाद सेवा संघ के द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जाए।